हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिश मसाला की बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना टमाटर और अदरक की। तो आज टमाटर और अदरक नहीं था तो मैंने सोचा ऐसे ही बना लेती हूँ, और आप लोग बहुत ही टेस्टी बना था इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, वीडियो बना के रखा था। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये कटला फिश लिया है 4 पीस, और इसमें अभी हल्दी और नमक लगा लेंगे। तो मुझे तो मसाला फिश जब भी बनाती हूँ बिना टमाटर और अदरक का कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन आज मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये देख सकते हैं, मसाला हल्दी नमक लगा के फिश में जो है फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छे से ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे फिश को। फिश फ्राई हो चुका है, तो ये देख सकते हैं मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च लिया है, तो इसे पेस्ट बना लेंगे। तो अभी इसी तेल में ये हरी मिर्च डाल देंगे, तो मिर्च को मैंने पेस्ट नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च भुन जाने के बाद ये प्याज और लहसुन इसमें डाल देंगे पेस्ट, और मसाला तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और कुछ भी मसाला इसमें नहीं डालेंगे। और सच्ची में फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बना था इसीलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई कर सकते हैं बिना टमाटर और अदरक के। तो ये देख सकते हैं, मसाला मैं भून रही हूँ, तो टमाटर नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर सॉस डालूँगी थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट भून लेंगे। तो मसाला तो भून के रेडी हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अभी फ्राई किया हुआ फिश ऐड कर देंगे। फिश ऐड करने के बाद इसे मसाले के साथ भी थोड़ा टाइम भून लिया और पानी डाल के इसमें उबालने दिया। तो ये हमारा ड्राई करके मसाला फिश बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।